छुटिया पापड़ वाले डो, आज तो ये मौत तो पिटवाई गई है। ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? छोटे मेरे दोस्त, ये सब क्या हो गया है? तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, स्पीच तो तुमने ही लिखी थी। मोटू, मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है, किसी ने कागज को बदल दिया है। अरे हमारे मेयर साहब ने कहा है कि सारे कंबल लोगों में बांट दो तो लोग खुश हो जाएंगे और हमें वोट देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। और माय लकी बर्ड, तुम आ गए। उनके कंबल में ऐसा स्प्रे डाल दूंगा कि बस देखते रहना। साहब को वोट दीजिए, आप सबके लिए उन्होंने ये ढेर सारे कंबल भिजवाए हैं। हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। कैसी बदबू आ रही है इस कंबल से। अरे कितना पुराना कंबल लग रहा है। मारो 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 मारो। मेरा ये प्लान भी सक्सेस हुआ। देखो लोगों ने मोटू पतलू की कैसे धज्जियां उड़ा दी। अब अपने कंबल बांटो। स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। बढ़िया बढ़िया कंबल दूंगा। मैं तुम लोगों के लिए कंबल लाया हूँ। नंबर नंबर दो, सबको कंबल बांट। हाँ देखो देखो, ये अच्छे कंबल हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जॉन अमर रहे, जॉन अमर रहे, जॉन जिंदाबाद, जॉन अमर रहे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे हराने में लगे हो। मेयर साहब आप ही सोचिए, हम भला आपको क्यों हराना चाहेंगे? ये जरूर किसी की चाल है, जरूर कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तो वही मंकी है जिसे हमने बचाया था, देखभाल की थी। हे ऊपर वाले, ये बेचारा तो पहले से ही घायल था, इसके साथ फिर ऐसा हादसा क्यों हुआ? मोटू पतलो, तुम दोनों फिर नहीं आए, कब आओगे? Well done my boy, काम हो गया, निकल लो। पतलो, लगता है मंकी ने हमें पहचान लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंसान हो या जानवर, भावनाएं सबकी होती है। हेलो मंकी। मुझे मेरे पैर मेरी यार, देखा भावनाओं में बहने का असर, देखा? वो बंदर नहीं, मस्त कलंदर है यार, हमारा मजा ले रहा था, तुम्हारे चक्कर में हम भी थप्पड़ खा रहे हैं। अरे मां मोटू पतलू, मैं तुम दोनों से उम्मीद लगा कर बैठा रहा और तुम दोनों फिर नहीं आए। हर बार बंदर का बहाना बनाकर भाग जाते हो। Well done, मेरे शेर। तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरी ट्रेनिंग का मान बढ़ा दिया। तुम ऐसे ही मोटू पतलू को बिजी रखना और मैं चोरियां करता रहूंगा। मैं तुम्हें जी भर के केले खिलाऊंगा, बल्कि मैं अपने ट्रेन में केले के पेड़ लगवा दूंगा। नंबर वन नंबर दो, हमने अब तक कितने पैसे कमाए? बस बस, दिल थाम लो, कहीं झटका न लग जाए। हमने सिर्फ आज की चोरी से 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। क्या? 10 करोड़?
तो बात हो तो ये सब कुछ मंकी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वन केले का जखीरा उठा लाओ और मंकी को खिलाओ। मंकी जी भर के केले खा लो। कल हमें चकमक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी पर जाना है। तैयारी करो। चकमक भाया, अगर हल्ला कर दिया देख लेना, चुपचाप वहीं खड़े रहो। तुम दोनों के लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है। फुरफुरी नगर बैंक की तिजोरी में जादूगर की एक नागमणि रखी है। अगर तुम दोनों किसी तरह वो मणि लाकर कुछ सेकंड के लिए मेरे मुंह में डाल दो तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। मेरे ठीक होते ही तुम मणि को दोबारा तिजोरी में रख देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, हम वो नागमणि लेकर आएंगे, तुम्हें ठीक करेंगे, ये मेरा वादा है। सिंगम सर भी हमारी मदद करेंगे। एक दोस्त से दोस्त का वादा है। मुझे मेरी भाई मेरी यार, डोंकी बोलती नहीं और ना ही डोंकी घोड़े होते हैं। वो डोंकी है और डोंकी ही रहेगा यार। डोंकी को घोड़ा, उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में है, ऐसा को भी नहीं देखा। डॉक्टर झाटका, तुम्हारा साइंस क्या बोलता है? अपना साइंस अपने पास रखो तुम दोनों और मेरा तोहफा लो। नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। आज के जमाने में जादू का श्राप जैसी बात पर मैं यकीन नहीं करता। वो नागमणि तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। चोरी वोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैनेजर सर, मैंने खुद स्वयं इस डोंकी को, आई मीन घोड़े को बोलते हुए सुना है। आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए नागमणि देना है। नागमणि हम इसके मुंह में रखेंगे, डोंकी के हॉर्स बनते ही वापस ले लेना। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा ठीक है चिंगम सर, मैं आउट ऑफ द वे जाकर सिर्फ आपके कहने पर नागमणि देने को तैयार हूँ। फ्रेंड्स, आप सब एक लाइन से चमत्कार देखने के लिए खड़े हो जाइए। नागमणि मेरे मुंह में रखने के बाद सब आंख बंद करके 1, 2, 3, 4 बोलिए। 1, 2, 3, 4 भाग गया डोंकी, नागमणि लेकर भाग गया। मुझे नागमणि वापस नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिंगम सर, मैं आपकी नौकरी भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। मोटू पतलू, तुम्हारा डोंकी, तुम दोनों को डोंकी बनाकर भाग गया, पकड़ो उसे। एक चाय मुझे भी दो भाई, चल। ओके ओके, सबको पिलाते हैं, सब्र करो। ये चाय पी के बहुत मजा आ रहा है। इसे पीने के बाद बदन में एक अजीब सी फुर्ती आ गई है। चलो लेट्स वर्क। अरे भैया जम के, तुम लोग बहुत स्लो काम करते हो। पिछले 1 महीने से काम पेंडिंग पड़ा है। अगर आज काम खत्म नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। 1 महीने का काम खत्म हो चुका है, कुछ और बाकी है तो दे दीजिए। क्या? पर कैसे? ये झूठ है, कल तक तो काम हुआ ही नहीं था और अभी अभी तो ऑफिस खुला है, अभी तो पूरी तरह सफाई भी नहीं हुई। अरे ये मेरी फुर्ती वाली चाय का कमाल है। अरे बॉस, मैं तो कहता हूँ कि आप भी चाय पी लो, इससे आप में भी स्फूर्ति आ जाएगी। अच्छा ऐसा, तो पिलाओ। Thank you.
हेलो, अरे मोटू मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम सब? आज कोई ऑर्डर ही नहीं आया सुबह से चाय का। हाँ, अरे चाय वाले भैया, बात ऐसी है, डॉक्टर झटका ने हमें सुस्ती भगाने के लिए एक चाय का पाउडर दिया है, हम उसी की चाय बना के पी लेते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो मोटू भैया, अरे अब मैं इतने दूध का क्या करूँगा। भैया रो क्यों रहे हो? अरे 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 क्या बताऊं जॉन भैया, डॉक्टर झटका ने मोटू पतलू को ऐसी चाय दी है कि अब मेरी चाय कोई पीता ही नहीं है। मैं तो सोचता था कि मोटू पतलू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उन्होंने तो मेरे ही पेट पे लात मार दी। देखो ना भैया, मेरे इतने सारे सामान का नुकसान हो गया है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया। यार कैसे हो चाय वाले भैया? आओ आओ डॉक्टर झटका, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी मुझे, आओ जरा। ये क्या पिलाया, मेरी चाय का नुकसान कर दिया। मार छुटिया पापड़ वाले नो। अरे मेरी गलती तो बता देते यारी। अभी भी नहीं समझे? आओ आओ। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।